हरियाणा में शहरी विकास प्राधिकरण के पानीपत दफ्तर में फिर प्लॉटों में गड़बड़ी सामने आई है। रोहतक और पानीपत के अफसरों ने मिलीभगत करके 11 करोड़ के 9 प्लॉट्स 70 लाख में ही आवंटित कर दिए और ट्रांसफर कर दिए। अथॉरिटी के मुख्य प्रशासक की ओर से कराई गई जांच में ये गड़बड़ी सामने आई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पानीपत दफ्तर की दीवारों से औसतीज कोटे के तहत 9 प्लॉट्स गलत तरीके से आवंटित करने और नियमों के विरुद्ध जाकर इनका ट्रांसफर दूसरे के नाम करने का मामला सामने आया है। एक शिकायत के बाद एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक ने अथॉरिटी के लीगल सेल से इस मामले की जांच कराई तो गड़बड़ी सामने आई। खास बात यह है कि इन प्लॉट्स को 2020 के रेट से आवंटित और ट्रांसफर किया जाना था, जबकि 2007 के रेट पर किया गया, यानी 11 करोड़ के 9 प्लॉट 70 लाख में ही आवंटित कर दिए गए। मतलब सरकार को ही करोड़ों का चूना, लीजिए पहले शिकायत करता। हम तो इनके खिलाफ दर्ज मुकदमा दर्ज करा जाए, जो प्लॉट हो कैंसिल करके दोबारा उठा को दिए जाए और आज के रेट में बेचे जाए। हमारी तो डिमांड ये है, अजीत बालाजी जो सीए हैं, नए सीए हैं, ईमानदार सीए हैं, अच्छे आदमी हैं, हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इनको इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के, ताकि और अधिकारी ऐसा गलत काम करने के बारे में करने से पहले 10 बार सोचे व डरे। इस मामले की परतें उघड़ने के बाद अब शिकायतकर्ता गड़बड़ी में शामिल पानीपत के तत्कालीन ईओ योगेश रंगा, रोहतक और पंचकुला के तत्कालीन प्रशासकों, अलाटीज और प्लॉट्स खरीदने वाले समेत 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा है। इस मामले की सुनवाई 7 जुलाई को राज्य सूचना आयोग में होनी है। इनसे मांगी थी, इनको तो आरटीओ में जवाब ही नहीं देते, तो पानीपत वाले तो पिछले 2020 की आरटीआई पेंडिंग पड़ी है प्लॉट की। ये कहते हैं जी हमारा तो उड्डा का रिपोर्ट है, हम दे नहीं सकते जी, अब स्टेट कमीशन में लगी हुई डेट 7 तारीख को, वहाँ से जवाब मिलेगा। और प्लाट है, ये 9 नहीं है तो 90 प्लाट निकलेंगे। पानीपत में बहुत गड़बड़ी, मतलब पानीपत में बहुत बड़ी गड़बड़ है और अधिकारी को मिली भगत होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कर लेगा, कर्मचारी नहीं कर सकता जब तक यहाँ का ईओ रोहतक एडमिनिस्ट्रेटर की अब शामिल ना हो, तब तक ये काम होते ही नहीं। गौरतलब है कि मुख्यालय से औसतीज कोटे के 2 प्लॉट्स आवंटित करने की मंजूरी मिली थी, पर अफसरों ने डीलर्स से मिलकर 9 प्लॉट्स आवंटित और ट्रांसफर कर दिए। सभी प्लॉट सेक्टर 13-17 में है। जतिन धवन के नाम तो 2 प्लॉट्स हैं, यानी अंदर की बातें अब बाहर आ रही है। ओवर टू सरकार जी। भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद गड़बड़ियां रुक नहीं रही। ताजा मामला पानीपत का है, जहां गलत तरीके से 2 की जगह 9 प्लॉट आवंटित किए गए। सवाल ये है कि अगर प्लॉट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो एचएसवीपी के अफसरों और डीलरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।